हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजलक्ष्मी क्लासेज। आज हम पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिसको आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ये न्यूमेरिकल जो है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस का ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन में दिया हुआ द वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस आर 0.984 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन एंड 0.728 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। इसमें हमको स्पेसिफिक हीट्स दी हुई हैं, जिसमें कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, जो स्पेसिफिक हीट होती है वो दिया हुआ है। कांस्टेंट जो प्रेशर दिया हुआ है वो दिया हुआ है, ये दिया हुआ 0.984 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब होता है सीपी की वैल्यू, तो सीपी होता है, सीपी दिया हुआ हमारे पास 0.984 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, ये कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है। इसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम जो दिया है हमारे पास, ये दिया है 0.728 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब होता है सी वी, ये सी वी दिया हुआ है और ये सी पी की वैल्यू दी हुई है। आपको दो स्पेसिफिक हीट दी हुई है, सी पी की वैल्यू दी हुई है, कांस्टेंट प्रेशर दिया 0.984 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ सी बी की वैल्यू 0.728 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आर, आपको इसमें वैल्यू निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू निकालना है। आर का मतलब होता है, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, आर की वैल्यू निकालना है एंड रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, जो स्पेसिफिक हीट होता है उसका रेशो निकालना है, जिसको गामा से डोनेट करते हैं। स्पेसिफिक हीट तो आप जानते हो कौन सा होता है, स्पेसिफिक हीट होता है मतलब कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी और सीवी का जो रेशो होता है उसको रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट कहलाता है गामा, मतलब आर निकालना है और गामा की वैल्यू निकालना है। इफ़ 1 किलोग्राम ऑफ दिस गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि हम 1 किलोग्राम गैस को गर्म करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो इसमें टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर के 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। मतलब हमारे पास जो 1 किलोग्राम दिया हुआ है, ये दिया है मास, एम द्रव्यमान दिया हुआ है 1 kg एंड इसको कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कांस्टेंट प्रेशर का मतलब होगा आइसोबैरिक प्रोसेस के द्वारा कर रहे हैं इसको गर्म। तो इसमें हमारे पास जो T1 है, ये दिया है T1 की वैल्यू और ये दिया हुआ है T2 की वैल्यू। T1 और T2 की वैल्यू दी है, T1 मतलब जो हमारे पास लोअर टेम्परेचर रहेगा वो T1 रहेगा, हायर टेम्परेचर रहेगा वो T2 रहेगा। सो T1 फर्स्ट इनिशियल स्टेट होता है, तो T1 हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़कर के 200 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, मतलब ये T2 की वैल्यू कहलाएगी। एस्टिमेट द हीट एडेड, आइडियल वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो इसमें हमको क्या करना है, हीट एडेड निकालना, कितनी हीट एड होगी इसमें, मतलब Q की वैल्यू निकालना है, वर्क डन निकालना मतलब W की वैल्यू निकालना है एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब U की वैल्यू निकालना है। आल्सो कैलकुलेट द प्रेशर एंड वॉल्यूम, इफ द इनिशियल वॉल्यूम वाज 2 m²³। इसमें हमको प्रेशर भी निकालना है, इसमें जो प्रेशर निकालना है वो फाइनल प्रेशर निकालना है, फाइनल प्रेशर निकालना है एंड इसमें इनिशियल वॉल्यूम जब दिया है, मतलब V1 की वैल्यू दी हुई है, तो इसमें हमको V2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब ये फाइनल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फाइनल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, मतलब V2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ P2 की वैल्यू, P1 की वैल्यू निकालना पड़ेगा या P2 की, V2 की निकालना पड़ेगा, V1 हमारे पास दिया हुआ है। इसके बाद सबसे पहले हम इसमें जानेंगे क्वेश्चन में क्या चीज़ दी हुई है, क्या चीज़ निकालना है। तो इसमें हमारे पास CP इक्वल टू दिया हुआ है 0.984, CV दिया हुआ 0.728 किलो जूल पर केल्विन एंड इसमें दिया हुआ M दिया हुआ 1 kg, टेम्परेचर T1 दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 दिया है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम दिया हुआ इनिशियल वाला V1 मतलब 2 m²³। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, सॉल्यूशन करके गिवन लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम गिवन लिख लेते हैं, तो अगर हम इसका गिवन लिखेंगे तो गिवन में हमारे पास आ जाएगा, इसमें क्या क्या चीज़ आ जाएगी जो मैंने अभी बताई हुई है, ये आ जाएगी हमारे पास CP की वैल्यू। तो ये आ जाएगा CP इक्वल टू हो जाएगा 0.984 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, ये CP की वैल्यू कहलाएगी। यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास CV की वैल्यू, तो ये आ जाएगा CV इक्वल टू 0.728 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन।
इसके बाद मास दिया हुआ m, तो m इक्वल टू दिया है 1 kg, एंड ये हमारे पास 1 किलोग्राम दिया हुआ है, मास दिया है, टेम्परेचर T1 दिया हुआ हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 दिया हुआ है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसमें हमारे पास एक इनिशियल वॉल्यूम भी दिया हुआ है V1 की वैल्यू, तो V1 इक्वल टू दिया है 2 m^2। अब हमको इसमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, पहले हमको कैलकुलेट करना है इसमें कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट मतलब कैपिटल R की वैल्यू निकालना है, दूसरा निकालना है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक मतलब गामा की वैल्यू निकालना है, तीसरा निकालना हीट क्यू निकालना है, चौथा निकालना इसमें आइडियल वर्क डन मतलब डब्ल्यू की वैल्यू निकालना है, पांचवा निकालना इंटरनल एनर्जी मतलब यू की वैल्यू भी निकालना है इसमें, उसके बाद प्रेशर और वॉल्यूम भी निकालना है। तो इनिशियल वॉल्यूम दिया तो फाइनल वॉल्यूम निकालेंगे, तो मतलब P1 निकालना है और V2 निकालना है, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को साफ करके इसमें वैल्यू लिखते हैं गिवन की। इसमें गिवन लिखेंगे तो गिवन में हमारे पास आ जाएगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इसमें गिवन, गिवन में हमारे पास सबसे पहले दिया सीपी की वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर, तो सीपी इक्वल टू दिया हुआ हमारे पास 0.984 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, ये दिया है सीपी की वैल्यू। सीपी इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास 0.728 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, ये हमारे पास सीपी की वैल्यू दी हुई थी। इसके बाद मास दिया हुआ है m इक्वल टू 1 kg 1 किलोग्राम, एंड T1 इक्वल टू दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 इक्वल टू दिया हुआ है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। V1 इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है 2 m^2, ये हमारे पास गिवन में है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा, सॉल्व करने पर आएगा सबसे पहले इसको क्या करना है, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना डिग्री सेंटीग्रेड को, तो इसको क्या करेंगे 25 + 273 से ऐड कर देंगे। अगर हमको डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करना है तो 273 से ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पर हमारे पास आ जाता है इसका, इसको अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 298 केल्विन, ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद T2 इक्वल टू 200 को ऐड करेंगे 273 में, तो ये आ जाएगा 473 केल्विन, ये हमारे पास 473 आ जाएगा, ये हमारे पास होगा इसका वैल्यू। इसके बाद सबसे पहले हमको निकालना है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, फर्स्ट निकालना था कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का मतलब होता है आर की वैल्यू, तो आर इक्वल टू फार्मूला होता है CP - CV, ये फार्मूला होता है, इसमें पुट करेंगे सीपी की वैल्यू और सीबी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे यहाँ पर ये दोनों वैल्यू, तो हमारे पास सीपी की वैल्यू आ जाएगी 0.984 माइनस सीबी की वैल्यू आ जाएगा 0.728। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.256, कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करेंगे तो 0.256 आ जाएगा किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, ये आ जाएगा आर की वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 0.256 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। इससे हम कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट निकाल लेते हैं, इस टाइप से हम कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट निकालते हैं आर की वैल्यू। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास दिया था कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। इसको निकालने के बाद कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट निकालने के बाद इसमें हम निकालेंगे सेकेंड निकालेंगे इसमें रेशो निकालना था स्पेसिफिक हीट का, आप एक को मालूम है स्पेसिफिक हीट जो होती है वो होता है गैस सीपी और सीवी, ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट में हमारे पास जब रेशो निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम इसमें रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट
स्पेसिफिक हीट का रेशियो जब निकालते तो इसका फार्मूला होता है गामा इक्वल टू सी पी अपॉन सी बी। सी पी अपॉन सी बी होता है, सी पी की वैल्यू रख देंगे यहाँ से ये वाली 0.984, यहाँ रख देंगे 0.984 अपॉन सी बी की वैल्यू हमारे पास 0.728 है, तो यहाँ पर रख देंगे 0.728। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.35। इसको कैलकुलेटर सॉल्व करने पर 1.35 आ जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो गामा इक्वल टू रेशियो आ जाएगा 1.35। ये आ जाएगा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट की वैल्यू, मतलब ये गामा की वैल्यू आ जाएगी। गामा को हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद हमको निकालना है इसमें हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड कितना होगा। तो हीट सप्लाइड के लिए क्या करेंगे, थर्ड इसमें इसे यहीं पर लगा देते फार्मूला हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड के लिए फार्मूला होता है Q122 इक्वल टू होता है MCP T2 - T1। ये फार्मूला होता है हीट सप्लाइड के लिए, जहाँ पर M मास है, CP कांस्टेंट प्रेशर है, T2 फाइनल टेम्परेचर है एंड T1 हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है। T1 T2 ये हमारे पास है, T1 ये है, T2 ये है, तो सबकी वैल्यू हमारे पास मालूम है। M हमारे पास दिया हुआ है ये 1 kg, CP की वैल्यू दिया हुआ ये, और T1 ये है, T2 ये है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, इसमें रखेंगे तो M की जगह 1 रख देंगे, CP हमारे पास है 0.984, T2 हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया है 473, तो आ जाएगा 473 माइनस T1 दिया है 298। इसको हमने वैल्यू पुट करी, तो वैल्यू पुट करने के बाद इसको कैलसी से अगर हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 172.2 किलो जूल। ये आ जाएगा हीट सप्लाइड 172.2 किलो जूल, ये आ जाएगा हीट सप्लाइड की वैल्यू। हीट सप्लाइड हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। हीट सप्लाई निकालने के बाद इसमें हमारे पास निकालना है, इसमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालने के लिए हम यहाँ पर निकाल सकते हैं चाहे तो फोर्थ स्टेप इसमें आ जाएगा वर्क डन। इसको हम कलर से निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा फोर्थ वर्क डन। वर्क डन के लिए फार्मूला होता है W1 से 2 के लिए P into V2 - V1, ये फार्मूला होता है। इसके अलावा टेम्परेचर के फॉर्म में अगर देखा जाए, क्योंकि हमारे पास फाइनल, ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम नहीं है, प्रेशर नहीं है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, दूसरा फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आ जाएगा हमारे पास MRT वाला, तो इसमें आ जाएगा MRT2 - T1, ये आ जाएगा फार्मूला। चूँकि आपको ये मालूम है PV इक्वल टू MRT होता है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला फार्मूला हो जाता है हीट सप्लाइड के लिए PV की जगह पर MRT, तो MR कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जाएगा, T2 - T1 यहाँ पर आ जाएगा, तो MRT2 - T1 हो जाएगा। M की जगह पर मास हमारे पास, जहाँ पर M मास है, R कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, T2 फाइनल टेम्परेचर है, T1 इनिशियल टेम्परेचर है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो M हमारे पास दिया हुआ 1, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट R की वैल्यू हमारे पास ये है 0.256, इसको रख देंगे 0.256 T2 की वैल्यू हमारे पास ये है 473, इसको रख देते हैं माइनस T1 की वैल्यू हमारे पास ये है 298। अब ये बिल रिपोर्ट करने के बाद इसमें आंसर आएगा कैलकुलेटर से, अगर इसको सॉल्व करेंगे 1 × 0.256 473 - 298, इसको अगर कैसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 44.8 किलो जूल। ये आ जाएगा वर्क डन को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा वर्क डन। यहाँ हमारे पास गिवन दिया हुआ है, ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है CP - CV, ये रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट है गामा इक्वल CP / CV,
और हीट सप्लाइड है Q1 to 2 इक्वल टू MCP T2 - T1। इसके द्वारा हीट सप्लाइड निकालना, वर्क डन के लिए हमने फार्मूला लगाया W1 to 2 इक्वल टू P V2 - V1, जहाँ पर MRT वाला फार्मूला लगा देंगे ये वाला, तो जनरल इक्वेशन आ जाती है ये, तो हमारे पास PV इक्वल टू MRT, तो यहाँ पर MR कांस्टेंट है 12,000, T2 - T1 तो वैल्यू पुट कर दें तो 44.8 किलो जूल यहाँ पर वर्क डन आ जाता है। वर्क डन के बाद हमको निकालना है इसमें इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी हम यहाँ पर निकाल देते हैं। इंटरनल एनर्जी जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, फिफ्थ स्टेप लिख देंगे हम इसमें, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास DU इक्वल टू U2 - U1, ये इंटरनल एनर्जी होती है। एक U2 जो फाइनल स्टेट है का इंटरनल एनर्जी है, U1 इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी है। फार्मूला हो जाता है MCV T2 - T1। M जहाँ पर मास है, CV कांस्टेंट वॉल्यूम है, T2 फाइनल टेम्परेचर है एंड T1 इनिशियल टेम्परेचर। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो M की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू CV कांस्टेंट वॉल्यूम कितना है 0.728, तो 0.728 वैल्यू पुट कर देंगे इंटू T2 हमारे पास दिया ये 473 माइनस T1 की वैल्यू दिया 298। वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास कैलसीज है 1 × 0.728 473 - 298, इसको हम सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास 127.4 किलो जूल, ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी निकल आती है। इस तरीके से हम इंटरनल एनर्जी को निकाल लेंगे। ये हो गया इंटरनल एनर्जी, फिफ्थ स्टेप हो गया। इसको निकालने के बाद अब हमको निकालना है प्रेशर एंड वॉल्यूम। हमारे पास इनिशियल प्रेशर निकालना है एंड फाइनल वॉल्यूम निकालना है, तो इनिशियल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका पॉइंट लिख देते हैं, क्या चीज़ निकालना था, तो इसको हम अगर साफ कर दें यहाँ पर, इसमें सिक्स्थ पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट निकालना था हमको प्रेशर, प्रेशर निकालना था एंड इनिशियल वॉल्यूम निकालना था, प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम निकालना था, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ The initial volume is 2 m³³। ये हमको दिया था, इसमें हमको इसमें प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम निकालना है जब हमको गैस में इनिशियल वॉल्यूम दिया हो 2 m³³। चूंकि आपको मालूम है जनरल गैसिफिकेशन जो होती है हमारे पास, सो हम इसमें लिख सकते हैं, वी नो दैट जनरल गैसिफिकेशन जो होती है वो क्या होती है, जनरल गैसिफिकेशन होती है PV/T होता है, जनरल गैसिफिकेशन होती है PV/T इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो इसमें स्टेट के लिए करेंगे तो P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2 होता है, क्योंकि ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो P1 इक्वल टू P2 रहेगा, तो इसमें हमारे पास जो प्रेशर है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा V1/T1 इक्वल टू V2/T2। निकालना क्या है, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दिया हो, तो V2 की वैल्यू निकालना है,
तो वी टू की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या, अगर इसको हम सेपरेट कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो चेंज करने के बाद हमारे पास यू यहाँ आ जाएगा, ये यह यहाँ पहुँच जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं वी टू इक्वल टू वी वन टी टू अपॉन टी वन, ये आ जाएगा। वी वन हमारे पास दिया था कितना, 2 m² दिया हुआ, ये वाला, तो यहाँ 2 रख देंगे। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास दिया था, यहाँ पर लिख दिया है 473 अपॉन इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया था, 298, ये लिखा हुआ है। इसको अगर हम कैलसी सॉल्व करें तो फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारे पास 3.17। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.17 m² आ जाएगा, तो ये फाइनल वॉल्यूम आ गया 3.17 m³। इससे हम फाइनल वॉल्यूम निकाल लेंगे, ये आ गया फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम निकालने के बाद यहाँ पर हम निकाल लेते हैं फाइनल वॉल्यूम निकलेगा। फाइनल वॉल्यूम के बाद हमको निकालना प्रेशर भी निकालना है, तो प्रेशर आपको मालूम है फार्मूला होता है प्रेशर के लिए, हम लगाएंगे फार्मूला ये वाला, वी आल्सो नो दैट P1V1 इक्वल टू MRT1, ये फार्मूला होता है, P1 इक्वेशन होती है PV इक्वल टू MRT, तो P1V1 इक्वल टू MRT1। इसमें हमको प्रेशर निकालना, तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, MRT1 अपॉन V1, V1 है जो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा। मास हमारे पास 1 दिया था, 1 R की वैल्यू हमारे पास गैस कांस्टेंट था, तो R की वैल्यू हमारे पास थी, R की वैल्यू थी हमारे पास 0.256, इसको सॉल्व करना है, इंटू T1 हमारे पास दिया था 298 अपॉन V1 हमारे पास दिया था 2। अगर इसको कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38140 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको अगर बार में चेंज करें तो 10^5 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास, अगर हम 10^6 से कर देंगे तो 0.38 आ जाएगा, अगर 10^5 से करेंगे तो 3.8 आ जाएगा। तो अगर हम इसको 10^6 से करते डिवाइड, तो आ जाएगा 0.3814 bar, ये आ जाएगा प्रेशर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व होता है कंप्लीट।